दोस्तों, अगर 100 रुपए से 1,000 रुपया अगर आपको कमाना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा बिजनेस करना पड़ेगा, कौन सा आपको तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे आप अगर एक आम आदमी है, गांव में रहते हैं, तो 100 रुपए से 1,000 रुपए कैसे कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर हम कुछ बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे अगर प्रयास किया जाए तो 100 रुपए लागत से 1,000 रुपए कमाया जा सकता है। लेकिन कौन सा यह तरीका है, इस बिजनेस को, इस तरीके को कैसे एक तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से उस बिजनेस में आपको काम करना है या किस तरीके से आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज के इस 10 मिनट के वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, वैसे तो गर्मी का मौसम काफी ज्यादा मात्रा में है, फिर भी दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति चाहे इस समय भी बिजनेस करना तो वह चाहे तो 100 रुपए से बिजनेस शुरू कर सकता है। ऐसे ऐसे तरीके भी है, लेकिन आज का जो तरीका है वह काफी महत्वपूर्ण है। आज का ये वीडियो आपको वह हर व्यक्ति को देखना चाहिए जो भी छोटी पूंजी से बड़ी पूंजी, बड़ी मार्जिन कमाना चाहते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार यथा अन्य स्वरोजगार से भी जुड़े व्यक्ति हैं तो भी आप चाहें तो अपने एरिए में किसी प्रकार का बिजनेस शुरू किए हैं या किसी प्रकार का स्टार्टअप शुरू किए हैं, मतलब जो कुछ भी अगर आप गांव में शुरू किए हैं लेकिन उस बिजनेस में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप निसंकोच अपना जो भी प्रश्न है अपने बिजनेस से जुड़ा पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, 100 रुपए से 1,000 रुपए कैसे कमाया जाए। दोस्तों ये थोड़ा गर्मी के समय में मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर व्यक्ति चाहे तो 100 रुपए से 1,000 रुपए में भी व्यापार कर सकता है और पैसे कमा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा सकता। देखिए दोस्तों, किसी भी फील्ड में जाइएगा ना, बात को समझिए फिर आपको समझ में आएगा, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। किसी भी फील्ड में आप कोई भी व्यापार कीजिएगा तो उसमें एक चीज कॉमन होता है कि बिजनेस शुरू करते आप ज्यादा पैसे नहीं कमाने लगेंगे। जी हाँ, बिजनेस आज ही शुरू किया और सोचे कि आज ही बहुत ज्यादा कमाई कर लिया तो ऐसा नहीं होगा। आपको उस बिजनेस में एक तरीके से धैर्य पूर्वक उस व्यापार को करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये बात कह सकते हैं कि मैंने इतना पूंजी लगाया था, आज मैं 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद मैं आज इतना रुपया कमा रहा हूं। दोस्तों ये जेन्युइन चीज है। ज्यादातर अगर आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो यही बात समझ में आती है कि अगर व्यक्ति चाहे कि आज ही बिजनेस शुरू किया और आज ही ग्रो हो गया तो बहुत कम, यानी 0.1% मात्रा में ऐसा चांस है, लेकिन 99% चांस है ना के बराबर। तो दोस्तों आपको अगर 100 रुपए में 1,000 रुपया कमाना है, यानी कि 100 में 1,000 कमाना है, तो उसके लिए अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, जैसे मैं 2-3 बिजनेस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, इस गर्मी के समय में भी बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो आप शुरू कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, गर्मी के समय में अगर सर्वाधिक मात्रा में मैं एक बात बताऊं आपको तो सबसे ज्यादा एक तरीके से किन किन चीजों का डिमांड होता है, ठंडे ठंडे चीजों का, जैसे कि खीरा। हमारे यहाँ खीरे की खेती एक तरीके से लोग करते हैं। जिस भी एरिया में खीरे की खेती होती है दोस्तों, अगर देखिए मैं छोटा सा तरीका बता रहा हूं, इससे आप चाहे तो 1,000 रुपए इनकम कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से खेत से खरीद कर 15 से 20 रुपए किलो थोक भाव में खरीद करके, दोस्तों अगर एक पसेरी भी खरीद लेते हैं, यानी 5 किलो भी अगर खरीद कर अगर आप बेचते हैं तो दोस्तों आपको पता है मार्केट में 10 रुपए से कम बिकता नहीं है। जो छोटा पीस होता है वो 5 रुपए में, 5 रुपए 10 रुपए एक पीस बिकता है खीरा। तो दोस्तों उसको छील करके चाहे तो आप बेचकर अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 100 रुपए का अगर खीरा अगर आप खरीदते हैं
देखिए इसका रेट में उतार चढ़ाव भी होता है, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको आपको समझना चाहिए। देखिए यह एक ऐसा चीज है ना कि जो आप इसमें सीधा सीधा अगर कहा जाए कि 15 रुपए 20 रुपए का मटेरियल खरीदे हैं, अगर आप उसको पीस में करके बेचें इस गर्मी के समय में तो बहुत ज्यादा इसका डिमांड होता है। गर्मी के समय में अगर 20 रुपए अगर आपने लागत लगाया है तो आप उससे बहुत आसानी से एक तरीके से अगर 1 किलो में अगर 5 पीस चढ़ता है तो आप अंदाजा लगा लीजिए 10 रुपए पीस बेचे तो 50 रुपए कमा रहे हैं। यानी कि आप लागत का एक तरीके से 150% 150% लागत से 150% आप मार्जिन कमा रहे हैं। यानी कि अगर आप 20 रुपए तो ऐसे ही हो गए, यानी 30 रुपए बचा, यानी कि 20 रुपए लागत में आपने 30 रुपए कमाया। तो दोस्तों ये कब होता है, जब आप किसी भी बिजनेस को समय देते हैं, उसमें दिमाग लगाते हैं, उसमें मेहनत करते हैं। इस तरीके के यही नहीं है, एक ही बिजनेस नहीं, अनेकों प्रकार के बिजनेस है। जैसे मान करके चलिए एक और तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो काफी प्रचलित तरीका है। अब देखिए खीरे के बाद में मैंने आपको बताया, अगर एक दिन में अगर आप 100 रुपए से यानी कि 150 रुपए कमाते हैं, दूसरे दिन अगर आप वही काम करते हैं उतना ही मटेरियल लेकर फिर से उतना अगर आप बेचते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों एक दिन में नहीं कमा पाएंगे। कोई नहीं कहेगा कि एक दिन में आप करोड़ों रुपए कमा लेंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसमें समय दें, थोड़ा धैर्य पेशेंस बनाए रखें, उस काम में मेहनत करें। देखिए ये पसीना हो रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो दोस्तों इस तरीके से आप चाहें तो धैर्य पूर्वक बिजनेस करके आप 100 रुपए का भी अगर पूंजी लगाते हैं तो आप 1000 रुपए एक एक दिन इनकम कर सकते हैं। उसमें थोड़ा समय लगता है, ग्राहकों को जुटाने में समय लगता है, सही लोकेशन पर अपने मटेरियल को ले जा करके इम्प्रूवमेंट करना, यानी कि एक तरीके से पब्लिक के सामने लेकर के जाना, सही लोकेशन भी बहुत जरूरी चीज होता है। तब जा करके ग्राहक आपसे जुड़ता है, सामान आपका बिकता है, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो चीज भी बेच रहे हैं, चाहे खाने से जुड़ा चीज है या पहनने से जुड़ा जो भी चीज है, चाहे जूस का ही व्यापार मान लीजिए, आपने जूस का व्यापार शुरू कर दिया, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक दिन में अगर सोचेंगे मैं इतना रुपया कमा लूं, ऐसा नहीं होता। नींबू पानी का भी आपने आप व्यापार शुरू किया तो भी आप सोचेंगे मैं एक ही दिन में 1000 कमा लूं, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे आपको मान लीजिए, देखिए कोई बिजनेस शुरू करेंगे ना तो सबसे पहले क्या होता है कि ग्राहक को पता नहीं होता यहाँ ये चीज बिकता है। जब आपको देखते 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 एक जगह अगर आप रहेंगे या घूम करके भी अगर आप किसी एरिया में बेच रहे हैं तो दोस्तों लोगों को जब ये पता हो जाएगा कि हाँ ये सामान यहाँ बिकता है या ये सामान इस दिन को इस एरिया में आता है, तो आपके पास ग्राहक एक तरीके से चल करके आएंगे और आपका मार्केट हमेशा बरोबर एक तरीके से बना रहेगा, मार्केट डाउन नहीं होगा जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, और अच्छा खासा इनकम कर सकेंगे। देखिए दोस्तों हम लोग गांव में रहते हैं तो छोटे छोटे बिजनेस के बारे में ज्यादातर हम लोग देखते हैं और लोगों को काम करते हुए भी देखते हैं, तो इसलिए दोस्तों ये केवल चर्चा मात्र है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये केवल चर्चा मात्र है, बाकी चीज आप खुद प्रैक्टिकल देख लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। हमारा ध्यान सिर्फ आपका एक तरीके से ध्यान उस बिजनेस के तरफ लेकर के जाना है, उस तरीके के तरफ लेकर के जाना है, लेकिन जितना मैंने बताया उससे कहीं ज्यादा आपको ऑफलाइन रिसर्च करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए मैंने मान लीजिए बता दिया कि खीरा आपको 20 रुपया किलो खेत में मिल जाएगा, किसानों के पास मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा कीमत देना पड़े, 30 रुपये किलो आपको खेत से मिले, थोक में मिले। तो दोस्तों ऐसा उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आप मैंने जितना बताया उससे ज्यादा आप खुद पहले रिसर्च ऑफलाइन तरीके से कर लीजिएगा। देखिए कोई भी बात हम लोग हवा हवाई नहीं बताते, जो जेन्युइन चीज होता है उसी के बारे में हम लोग बताते हैं, बाकी अगर कोई भी चीज है उसके बारे में हम बिल्कुल ही बात नहीं करना चाहते और ना ही हम किसी को गलत जानकारी देना चाहते हैं। बस हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को जानकारी हो कि ये भी बिजनेस होता है, इस तरीके से होता है, और एक तरीके से जो व्यापार करने वाले लोग हैं वो उसमें उस बात को समझें और
मैंने जितना बताया उससे और ज्यादा वह ऑफलाइन रिसर्च करें ताकि उनको और ज्यादा नॉलेज मिले और उस व्यापार को करें जो भी उनको पसंद है, ताकि वह अपना एक तरीके से जीवन यापन एक तरह से कहा जाए तो सुचारू रूप से उनका चलता रहे और अच्छी खासी ग्रोथ अपने लाइफ में सभी लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है ना, अगर जॉब नहीं करता है तो कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का बिजनेस या व्यवसाय जरूर करता है, ये बात आप 100% समझ लीजिए। इसीलिए दोस्तों अगर ज्यादातर संख्या में देखें तो बिजनेस व्यापार करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों आप चाहें तो आप भी अपने एरिया में कोई ना कोई बिजनेस शुरू करके कमाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि इस समय मुझे क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है, ताकि आप सही दिशा में जाएं और सही इनकम कर सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।